गाइस आज की डेट में अगर आप किसी भी फ्री फायर के प्लेयर से ये पूछोगे कि भाई तेरे को सबसे खतरनाक वन टैप प्लेयर अभी तक कौन सा लगा है, तो भाई वो बिना हिचकिचाए बस एक ही नाम लेगा, वो है वाइट एफएफ। तो यार वाइट एफएफ एक फ्लोन प्लेयर है जिसका गेम प्ले आप बैकग्राउंड में देख सकते हो कि इसके वन टैप बिल्कुल भी मिस नहीं होते, एंड इसके जो वन टैप हेडशॉट मारने का जो तरीका है वो एकदम ही अलग है। मतलब कि इसका वन टैप ऐसा रहता है कि एक बार बंदे को फट पड़ा एंड इतने में सब कुछ हो गया। क्या बात भाई, हर एक गोली ये बंदा हेडशॉट मार देता है। तो आज के वीडियो में अपन ये जानने वाले हैं कि वाइट एफ आखिर किन किन सेंसिविटी सेटिंग्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करके इस तरीके से वन टैप मारता है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इस वीडियो में मैं सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देने वाला हूं। तो यार इस वीडियो को बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट, और पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलो भाई देखो अपने क्या करता हूं। भाई सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि वाइट एफएफ कौन से फ़ोन का यूज़ करता है इतने खतरनाक वन टैप देने के लिए। तो भाई वाइट एफएफ यहाँ पे यूज़ करता है आईफोन 12 प्रो का, जो कि एकदम ही न्यू फ़ोन है और बहुत ही सारे यूट्यूबर्स इसी फ़ोन का यूज़ करते हैं, बिकॉज ये फ़ोन सबसे खतरनाक रहता है सेंसिटिविटी के मामले में भी, इवन गेमिंग एक्सपीरियंस के मामले में भी। सो गाइस अपन हम बात करने वाले हैं वाइट एफएफ की सेटिंग्स के बारे में, जिसमें अपन बात करेंगे सबसे पहले वाइट एफएफ की सेंसिविटी के बारे में। तो देखो वाइट एफएफ अपनी सेंसिविटी में सबसे पहले अपने जर्नल को 100 पे रखता है, अपनी रेड डॉट को भी 100 पे रखता है, एंड 2x की बात अपन थोड़ी देर बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ा अलग मामला हो गया यहाँ पे, एंड 4x को भी 100 पे रखता है, एंड AWM स्कोप को भी 100 पे रखता है। देखो ये 100 पे इन सभी सेंसिविटीज़ को इसलिए रखता है जिससे कि ये बहुत कम ट्रैक में बहुत ईजिली हेड मार ले। तो आपको भी 100 पे रखना है इन सेंसिविटीज़ को, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बात करते हैं आप 2x के बारे में, क्योंकि 2x को इसने 84 पे आखिर क्यों रख रखा है। देखो 2x क्या होता है ना, जो 2x स्कोप रहता है ना वो एक ऐसा स्कोप रहता है जिसको आप लॉन्ग में और मिड में दोनों में यूज़ कर सकते हो। तो 2x की रेंज बढ़ाने के लिए आप उसकी सेंसिविटी को थोड़ा कम कर सकते हो, ऐसा बहुत सारे प्लेयर्स यूज़ करते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप 82 to 85 2x की सेंसिविटी रख सकते हो, इससे उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आप ज़्यादा रेंज में भी हेडशॉट मार सकते हो उससे। सो गाइस अब बात करते हैं वाइट एफएफ की कस्टम HUD के बारे में, एंड वाइट एफएफ की जो कस्टम HUD है ना गाइस वो सबसे अलग है, मतलब सबसे हटके कस्टम HUD बोलते हैं ना वो है। ठीक है यहाँ पे देख सकते हो कस्टम HUD में यहाँ पे सबसे ऊपर तो गनबॉक्स वाला बटन है, उसके नीचे यहाँ पे देख सकते हो ये जो है स्कोप वाला बटन है अपना, एंड उसके नीचे जरा फायर बटन को देखो, फायर बटन के साइज को देखो एक बार। देखो फायर बटन का साइज इनका साइज है 32 लिटरली। अब इस बात से एकदम ही बात श्योर हो चुकी है कि जितना आप साइज कम रखते हैं ना फायर बटन का उतने ज्यादा हेडशॉट पड़ते हैं, क्योंकि देखो कितना कम साइज इन्होंने रखा है। तो मैं हर बार आपसे बोला है कि जितना कम आप साइज रखते हो उतना ज्यादा आपको फायदा मिलता है वन टैप मारने में। ठीक है उसके बाद गाइस अपन ये राइट साइड की बात हो गई, अब लेफ्ट साइड चलते हैं। तो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर है यहाँ पे देख सकते हो क्विक वेपन स्विच बटन, जिससे मतलब वन टैप मारने में बहुत यूजफुल होता है जो, एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो नीचे है लेफ्ट फायर बटन जो कि ग्लू वॉल मारने के लिए है, एंड उसके नीचे ग्लू वॉल वाला बटन है, एंड सबसे राइट में यहाँ पे स्प्रिंट करने वाला बटन है। तो इस तरीके की इनकी कस्टम HUD है। So, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आपको इस टाइप का कस्टम HUD नहीं रखना, क्योंकि चक्कर क्या है ना कि जो वाइट एफएफ है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बहुत सारे मतलब एक्सपीरियंस के बाद ही इस टाइप का कस्टम HUD रखा है। तो अगर आप शुरुआत में ऐसा कस्टम HUD रखोगे भाई आपके बिल्कुल भी वन टैप या हेडशॉट नहीं पड़ेंगे। तो आखिर में आपको कस्टम HUD में किस टाइप का रखना है, तो यार ये वाइट एफएफ ने खुद कहा था कि आपको कस्टम HUD जो आपका कस्टम HUD है बस वैसा रखना है। बस आपको एक चीज देख लेनी है, एक तो आप 3 finger स्टार्ट कर दो पहली बात, तो अगर आपको वाइट एफएफ जैसे हेडशॉट मारना है तो आपको 3 finger स्टार्ट करना ही होगा। वाइट एफएफ भी एक 3 finger प्लेयर है, एंड 3 finger में भी एक बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको गन बॉक्स जो मतलब गन स्विच बटन रहता है ना क्विक वेपन स्विच बटन, इसका यूज आपको करना ही करना है। चाहे इसको आप 3rd finger की जगह रखो या इसको आप 2 finger के ऐसे यूज करो, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप के वन टैप मारने के लिए। ये वाइट एफएफ ने खुद कहा था अपने वीडियोस में। सो गाइज अब बात करते हैं वाइट एफएफ की वन टैप ट्रिक के बारे में। तो गाइज मैं आपको सिर्फ एक ही वन टैप ट्रिक यहाँ पे वाइट एफएफ की बताने वाला हूँ, क्योंकि वाइट एफएफ बहुत सारी ट्रिक्स का यूज़ करते हैं वन टैप मारने के लिए, जिसमें से मैं आपको एक ही ट्रिक अभी बताने वाला हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको और भी वाइट एफएफ की वन टैप ट्रिक या उनकी ग्लू वॉल ट्रिक उसके मूवमेंट ट्रिक के बारे में जानना है, तो यार उसके लिए आप क्या करना है, इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड चैनल पर नया आ रहा तो जल्दी से सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हमको ऐसे और भी वीडियोज़ चाहिए, तो मैं और भी वीडियोज़ ज़रूर लेके आऊँगा।
सो गाइस इस ट्रिक में आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने एम को सेट करना है। आपको एम को सेट करने के लिए जो भी आपका एनिमी है सामने उसकी साइड में एम को रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से साइड में आपको एम को रखना है, हेड के थोड़ा पास में रखना है एंड साइड में रखना है। उसके बाद जो ड्रैग रहता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम ही टिक मार्क करके ड्रैग करना है। मतलब कि जो एक ट्रिक मार्क रहता है ना जो आपकी टीचर लगाती हैंगी आपकी कॉपीज़ में, उस टाइप में आपको टिक मार्क करते हुए ड्रैग करना है। ऐसा वाइट एफ एफ ने खुद अपने वीडियो में कहा था एंड इसी टाइप की ट्रिक को मैं फॉलो करके मतलब इस तरीके के वन टैप मार पा रहा हूँ। यार आपको भी यही करना है, एकदम ही टिक मार करते हुए थोड़ा सा पहले नीचे मतलब अपने फायर बटन को लेना है एंड उसके बाद ऊपर बहुत ही स्पीड में ड्रैग कर देना है। इससे बहुत ही ओपी लेवल का वन टैप यहाँ पे पड़ता है। इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत करनी होगी, उसके बाद आप एकदम ही परफेक्ट हो जाओगे इसमें एंड हेडशॉट ईजिली मारने लग जाओगे। सो गाइस होप सो कि आपको ये ट्रिक आप आसानी से समझ में आ गई होंगी और ये वीडियो आपको बड़ा पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से एक लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नया आ रहा तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।